जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश सर डिफेंस कैडेट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 2, कल हम आपको बता रहे थे गणित के बारे में, आज मैं फिर उसको कंटिन्यू करूंगा कि गणित में आखिर करना क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे मुझसे आज पूछ रहे थे फोन करके कि सर हमारा टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, हम प्रैक्टिस सेट जब दे रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में नंबर 50% तक रह जा रहा है, या फिर ऑनलाइन हम कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा 40% रह जा रहा है और बच्चा ट्रेडमैन का था। पहली बात तो ये है कि आपको आपका एक मेंटर चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बाकी दाएं बाएं नहीं देखना पड़ेगा, इधर का नोट्स उधर का। कुछ बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है कि थोड़ा सा ये सर का देख लेते हैं, थोड़ा वो सर का ले लेते हैं, उस एकेडमी का नोट्स ले लेते हैं, इस एकेडमी का नोट्स ले लेते हैं, और हम चारों तरफ से ले लेंगे तो हम बहुत ज्यादा जान जाएंगे और हम टॉप कर जाएंगे, हम आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप हौच पौच खिचड़ी बन जाएगा आपके दिमाग में। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिए, किसी और एकेडमी के साथ जुड़े हैं, किसी और टीचर के साथ जुड़े हैं, उनके साथ सिर्फ एक आदमी के साथ जुड़े रहिए और उनमें आप अपना पूरा विश्वास दिखाइए, तभी जा करके आपको सक्सेस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। वही चीज आता है किताबों के ऊपर, किताब भी आपके पास 10 किताब नहीं होना चाहिए, मैथ का 50 किताब, 10-15 किताब, हम सब किताब से हम हर चीज करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। पहले आपको एक सिलेक्ट करना है, अच्छा बुक सिलेक्ट करना है, और उसी बुक के साथ में आपको स्टिक रहना है, एकदम बिल्कुल नहीं बदलना है आपको, उसी बुक से ही आपको करना है, उस पे आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात कि जो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन आप दे रहे हैं या कोई और प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो जो किताब बनाने वाले होते हैं और जो ऑनलाइन में जो टेस्ट पेपर बनाने वाले होते हैं, वो लेवल को ऊंचा करके रखते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़ा है, इसमें तो इसमें अच्छा चीज है। लेकिन उससे आपका नुकसान होगा, वो लेवल बढ़ा के दे रहा है लेकिन आपको वो लेवल तक जाना नहीं है, और आप बार बार टेस्ट दे रहे हैं, बार बार आपका नंबर कम आएगा, बार बार आपका नंबर कम आएगा, आप और ताकत तो लगाओगे लेकिन आपको मोरल बूस्ट नहीं मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे मेंटेन रहिए, आप जिस भी टीचर मेंटर को मानते हैं उनके साथ में आप जुड़े रहिए और उनके अपना पूरा विश्वास दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। चलिए अब हम आते हैं जो कल का बचा हुआ था, गणित। गणित में करे तो करे क्या, गणित में आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस गणित के जैसे आप प्रैक्टिस किए, पहले एक मान लीजिए HCF LCM का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन नहीं करना, ये नहीं कि हर टाइप के क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, जी नहीं, आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन एक बार बैठते तो 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक ही टाइप के आप कर लीजिए, और वैसे डेली कीजिए कम से कम 50-50, 100-100 क्वेश्चन एक ही टाइप के। उससे क्या होगा कि जब अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप ऑप्शन देख करके ही आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे तो आंसर तो छोटा आ रहा था, ये आंसर तो बहुत यूनिक आ रहा है, तो ऑप्शन देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, और बिल्कुल जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल ही वाहियात टाइप के डाले होते हैं जिनका उस क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं होता, कभी भी आप बनाओगे तो वो वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, तो उस टाइप के ऑप्शन को आपको हटाना होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन बनाया मैथ का और ऑप्शन ए में आंसर आपका मैच कर गया, आप खुश हो जाओगे और आप क्या करोगे ऑप्शन ए लगा करके आगे बढ़ जाओगे, जी नहीं, बिल्कुल सावधान हो जाना है, ऑप्शन ए डिस्ट्रैक्टर होता है। वहां पर क्या होगा कि जैसे कि एक छोटी सी गलती अगर 100 आदमी में से 90 आदमी करता है तो जो आंसर आता है उस आंसर को वो ऑप्शन ए में डाल देते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है, तो अगर ऑप्शन ए आपको आंसर में आ रहा है तो आपको बिल्कुल सावधान होकर के दोबारा एक बार देख लेना चाहिए और बी सी और डी ऑप्शन जरूर देखना है अगर आपका ऑप्शन ए आंसर आ रहा है तो। आगे देखते हैं कुछ और छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास समय का अभाव हो गया, आप मैथ बना नहीं पा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई हम तुक्का मारेंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि भाई साहब हमसे उनका बुद्धि इतना ही है कि भाई बन ही नहीं सकता उनसे जिंदगी में, उन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर रखा है कि हमको आता ही नहीं मैथ लेकिन हमको आंसर लगाना है, तो कुछ सोच समझ के कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऑप्शन लगाएंगे तो आपका आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी से आप परहेज करेंगे, उसके बाद बी और सी में से आपको सिलेक्ट करना होता है, तो अमूमन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि अगर आपने तुक्का भी लगाया है तो उसका आंसर सही हो। दूसरी बात बताते हैं कि अगर अगर ऑप्शन में 1 है या 0 है तो चांसेस खूब बनता है कि ऑप्शन में जिसमें 1 है या जिसमें 0 है
वो आंसर सही हो, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे और चीज को अगर हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम देखेंगे कि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है, तो मैथ के क्वेश्चन में कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन के नंबर को मिलाइए। क्या कोई जैसे कि 4 है, 5 है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन में नंबर है और ऑप्शन में 500, 700, 900 है और एक में 12 है, तो चांसेस है कि 12 वाला ही सही होगा, आपको उधर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजों को आपको मैथ में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैथ में आपको ध्यान देना होता है, वो ये होता है दोस्त कि जैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप करने के लिए लगाने के लिए बैठे, आप पहला क्वेश्चन किए, आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही आता है, लेकिन एग्जाम में बन नहीं रहा, तो आप उसके ऊपर लग जाते हो कि भैया ये तो आता है, ये तो मैं किया हूँ, कितने बार किया हूँ, मुझसे बनेगा क्यों नहीं। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत आएगी कि भाई आप उसी में लगे रह जाओगे और आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है एक छोटी सी चीज आपसे छूट रही होगी और वही चीज पे आप बार बार करते हुए अपना समय बर्बाद कर देंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में आप मैथ में फंसते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन आता है, फिर भी आप उसको छोड़ करके चलिए, अंत में समय बचेगा तो आप दोबारा आइएगा, हो सकता है तब तक आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हो और क्या है कि वो जो छोटी सी गलती आप कर रहे थे उस क्वेश्चन में, वो गलती आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे और चीज क्या देखेंगे कि मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि मैथ बनाने में समय लगता है और आपको बचना उसी से है, समय नहीं लगाना है और मैथ को बनाना है। नहीं भी बनता है, अगर आंसर आ जाता है तो बात खत्म, साम दाम दंड भेद, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको आंसर से मतलब है और आंसर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। आगे और मैथ्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी टाइप का आपको टिप्स की जरूरत हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8291696542 पर संपर्क कर सकते हैं और मैं अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो एक एक आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट्स और क्लर्क, ट्रेडमैन, सबके बारे में अलग अलग वीडियो बना करके दे दूंगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, आप प्लीज अपना एक मेंटर चुन लीजिए, उस पर आप आस्था रखिए, उसको आप गुरु मानिए, उस बुक हो या कोई एकेडमी हो या कोई टीचर हो, उस पे आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए। लेकिन उनको चूज करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। लेकिन एक बार चूज कर लिया तो आपको इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं कि इसका भी नोट्स ले लो, उसका भी नोट्स ले लो, किसी और का लिखा हुआ नोट्स लेंगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका दिमाग ने बनाया नहीं है, उसके लिए नया चीज है। तो आपको क्या करना है कि आपका अपना बनाया हुआ नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको बनाया उसने। तो दिमाग को हमेशा रिलैक्स देना है, आप अपना चीज कीजिए और एक ही चीज कीजिए। मैथ्स के लिए आप एक टाइप के क्वेश्चन को 50 बार, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन उसी टाइप के आप बनाइए। अगली बार जब वो क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो आप बना पाओ ना पाओ, आपको आंसर पहचान में पक्का आ जाएगा। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगर आप कमेंट में कहेंगे तो हम आपको हर एक आर्मी के ट्रेड का पूरा एग्जाम का एनालिसिस एंड टिप्स, सब्जेक्ट वाइज कैसे स्कोर करें, हर चीज बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।